महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है और सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मंथन चल रहा है। तो इस मंथन के बीच शिवसेना ने आज बैठक बुलाई है और इस बैठक में सीटों और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। तो शिवसेना की बैठक के साथ ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा था कि दोनों दलों में एक फॉर्मूले पर काम लगभग पूरा हो चुका है। अब देखना होगा कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत दोनों दल चुनाव में उतरेंगे। तो सीटों का बंटवारा लगभग कहा जा रहा है कि तय हो चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है 21 अक्टूबर को, 24 को नतीजे आएंगे और तारीखों का ऐलान जैसा कि हो गया उसके बाद से तमाम रणनीतियां पार्टियों के बीच बनने लगी है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो है सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन पेच यहां पर बीजेपी और शिवसेना की सीटों को लेकर फंसा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूले के तहत जो है बातचीत यहां पर कर ली गई है और आज शिवसेना के जरिए एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बीच बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान भी कर दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जिसको लेकर काफी मत्थापच्ची के बाद, काफी रस्साकशी के बाद आखिरकार शिवसेना और बीजेपी में सहमति जो है सीटों को लेकर वो बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 162 और 126 शिवसेना को ऐसी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि क्या कुछ सहमति बनी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक बयान सामने आया था अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने नेताओं को लेकर कि आप हर एक सीट को लेकर तैयार रहें।